बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मकसद से उधमपुर के टाउन हॉल में कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कमिश्नर रविंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेले में कई निजी कंपनियां भी शामिल हुई जो युवाओं को खास ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार देने की कोशिश करेंगी। युवाओं को ट्रेनिंग देकर विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा और रोजगार के लिए कई मौके पैदा होंगे। कारगर सीखे ये जो स्किल डेवलपमेंट आज जो कौशल मेला जो लगाया जा रहा है, इससे मुझे लगता है बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करवाए जा रहे हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, उसके हिसाब से लगभग 1000 बच्चे हमारे ट्रेन हो जाएंगे इसमें। तो 1000 बच्चों का जब ट्रेनिंग के बाद उनका जब भी मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा, इसमें उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। जो हम जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसमें भी मैंने एक पीसी श्रेणी में एक कैंप किया था, तो वहाँ भी काफ़ी उसमें विमेन को एम्पावरमेंट हुई और काफ़ी उनको जो जॉब्स शुरू हुई है। इसी तरह बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि हर डिपार्टमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट का काम करवाया जाए जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके। और